सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश के राजगढ़ की तरफ, जहां जिले में महिला बालिकाओं से संबंधित गंभीर अपराध में तत्परता हेतु वरिष्ठ अधिकारी लगातार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया माचलपुर क्षेत्र का, जहां 5 तारीख को पीड़िता ने आकर आरोपी मुकेश दांगी के द्वारा पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद माचलपुर में अपराध क्रमांक 159/2022 की धारा 354 IPC 7/8 पॉक्सो के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। इस दौरान विवेचना प्रकरण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ व SDOP खिलचीपुर के निर्देशन में थाना माचलपुर पुलिस टीम को शीघ्रता से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था। आपको बता दें, गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित करी गई और टीम के द्वारा 24 घंटों के भीतर ही आरोपी मुकेश दांगी, जिसकी उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है, जो की निवासी है भगोरा का, उसको गिरफ्तार 6 तारीख को कर लिया गया है। संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी उन्हीं जितेंद्र अजनारे, सौनी राजेंद्र सिंह खींची, आरा 728 नरेंद्र, आरक्षी 766 रविंदर सहित काफी सारे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदीप शर्मा सर द्वारा महिला संबंधी अपराधों एवं बाल बालिकाओं के संबंध में घटित अपराधों के संबंध में त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। दिनांक 5/6/2022 को ग्राम भगोरा से पीड़िता द्वारा अपने मामा के साथ आकर जुबानी रिपोर्ट किया गया कि उसके साथ ग्राम के मुकेश पिता सीताराम दांगी द्वारा उसके पाड़े में उसके साथ छेड़छाड़ की गई, जिसकी रिपोर्ट पर थाना हाजापुर अपराध क्रमांक 159/22 धारा 354/8 पॉस्को एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी महिला संबंधी अपराध होने से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान कमल प्रसाद सर एवं तिरचीपुर SDOP सर श्री आनंद राय सर के निर्देशन में टीम गठित की गई एवं आरोपी को 24 घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर मान्य न्यायालय पेश किया जा रहा है, जिसमें उक्त संपूर्ण कार्रवाई में सौनी राजेंद्र खींची, आरक्षक नरेंद्र, आरक्षक अमित, आरक्षक नीरज, महिला आरक्षक सीमा, आरक्षक दिलीप की महत्वपूर्ण भूमिका। R9 भारत के लिए ब्यूरो चीफ ब्रजमोहन सूर्यवंशी, राजगढ़, मध्य प्रदेश।